अब यहाँ से स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल वेस्कुलर सिस्टम, इट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तीन लेवल्स हैं इस डायग्राम के, इसमें हम पहले जो है वो वेस्कुलर सिस्टम की जो है वो मेन पोजीशन को डिनोट करेंगे। हमने क्या दिया, ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ हमने एक मास जो है उसको अटैच किया है, एक बॉडी है जिसका मास आपके पास क्या है M, तो ये इसकी मेन पोजीशन है जिसको हमने O कह दिया। अब हम जब क्या करेंगे, इस मास के ऊपर कोई F फोर्स एक्ट करेंगे थ्रू पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ये मास क्या करेगा, मूव करेगा और ये स्प्रिंग जो है वो उसमें क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। तो हमने क्या किया कि जब ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो आपके पास इस मास की नई पोजीशन आ जाएगी, हमने उस नई पोजीशन को क्या नाम दे दिया जी, A। तो ये हमारे पास इस मास की नई पोजीशन आ गई जिसको हमने नाम दे दिया A। अब हम इस मास को यहां से छोड़ेंगे तो ये दोबारा मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा किस फोर्स की वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो रीस्टोरिंग फोर्स सबसे पहले अब क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हर वो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है जो बॉडी को अपनी पुरानी पोजीशन में रीस्टोर करती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं हमने मेन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया किसी बॉडी को, तो दोबारा मेन पोजीशन की तरफ जो फोर्स उसको वापस लेके आएगी उस फोर्स को हम नाम देते हैं किसी चीज का, रिस्टोरिंग फोर्स का। अब यहां पर ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉडी मूव करेगी लेकिन वो ड्यू टू इनर्शिया मेन पोजीशन पे रुकेगी नहीं, बल्कि क्या होगा कि वो मेन पोजीशन से दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा, ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हमने नाम दे दिया A प्राइम। अब मेन पोजीशन से यहां तक का ये जो फासला है इसको हमने x कह दिया, ये डिस्टेंस इसको भी हमने x कह दिया। अब हमने ये डिस्क्राइब करना है कि ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल मास सफरिंग सिस्टम है ये किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो ओबे करता है। अब अगर हम बात करें कि हमने जो फोर्स अप्लाई की थी वो कौन सी फोर्स है, F इक्वल टू ma, ये कौन सी फोर्स है जो हमने लगाई, मास इस बॉडी का m था, इसमें हमने a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाया, ये वो हमारी लगाई हुई फोर्स होगी। अगर इसमें सिस्टम को देखो तो मुझे दोनों के ऊपर जो है वो साइन डालना पड़ेगा। अब हमने ये देखा कि इस फोर्स के लगने की वजह से स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, तो इसका मतलब है कि यही फोर्स किसके बराबर होगी, f ऑफ r इक्वल टू kx। अगर मैं यहां पर f r नहीं लिख रहा, f इक्वल टू kx, व्हाट इज k, k इज अ कांस्टेंट और इसको हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। और इसकी अगर आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है तो k किसके बराबर आ जाएगा, f ओवर x t, इट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्स टू द एक्सटेंशन, कि कितनी फोर्स लगाई और बॉडी में कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, तो वो चीज आपको क्या बताएगी, k बताएगी कांस्टेंट। और इस चीज को हम नाम देते हैं, ये मैं बताती हूं, इट इज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर हम यहां पर लिखें तो ये क्या होगा, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। और अगर हम इस k की यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ k इज न्यूटन पर मीटर। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका यूनिट हो गया। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये मोशन किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर देखें हमने जो फोर्स अप्लाई वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक साइड की फोर्स को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी जो फोर्स है उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहां से हमें पता चला कि एफ किसके बराबर होगा, माइनस एफ ऑफ आर के बराबर होगा। अगर ये दोनों के ऊपर मैं क्या डालता हूं, वेक्टर का साइन। एफ किसके बराबर है, एफ इक्वल टू एम ए, दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर मैं इस a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो माइनस के ओवर m हो जाएगा और साथ ही आ गया x, k कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। तो अगर ये k कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो जब मैं कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो मैंने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट और साथ ही आ गया x। तो इस कांस्टेंट को जब इक्वालिटी के साइन के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस। So this is the first condition of simple harmonic motion.
एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब जो बात समझने वाली है यहां पे वो ये है कि जिस तरह से एक्स वेरी करेगा, जैसे जैसे आपके पास एक्स वेरी करेगा वैसे वैसे आपके पास एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि मुझे बताएं मीन पोजीशन के ऊपर एक्स क्या है, जीरो। मीन पोजीशन के ऊपर अगर एक्स जीरो है तो यहां पर ए भी क्या होगा, जीरो। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो ए भी क्या होगा, जीरो। ओके, तो ये बात अभी तक आपको क्या बता रही है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब सेकंड कंडीशन को हम प्रूव करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ क्यों होती है। तो अगर हम बात करें कि जब बॉडी ओस, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपल अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और चेंज कितनी तरह का होता है, दो तरह का। चेंज में इंक्रीज का मतलब ही चेंज है और डिक्रीज का मतलब भी चेंज है। तो अगर हम बात करें कि वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। और वो जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड, उसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और उसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, वही होगा जिसमें बॉडी मूव कर रही है। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द मोशन। अब मुझे बताएं यहां पर जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के जीरो हो रही है, तो इसका मतलब है उसमें एक्सेलरेशन कौन सा होगा, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द मोशन। अब अगर मैं बात करूं कि ओ से ए तक वेलोसिटी आपके पास क्या हो रही है, वी आपके पास हो रहा है डिक्रीज। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन जब बॉडी इधर से इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर होती है, 1/2mv2। तो अगर v जीरो है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। इस पोजीशन के ऊपर x क्या है, मैक्सिमम। अगर x मैक्सिमम है तो आपके पास a भी क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बराबर होती है mg x के। तो अगर x मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। अगर यहां पर v जीरो है, v इस पॉइंट के ऊपर जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2mv2, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अगर मीन पोजीशन पे बात करें तो मीन पोजीशन पे v क्या होता है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन x जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और सिमिलरली इस एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम बात करें, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे तो x क्या होगा, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। v क्या होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। और a क्या होगा, मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी चीज मैक्सिमम होती है, x। और अगर x मैक्सिमम है तो a भी क्या होगा, मैक्सिमम। अगर x मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि जब आपके पास बॉडी इस ओ से ए की तरफ जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऑपोजिट टू द मोशन। अब ऑपोजिट टू द मोशन कैसे, बॉडी किस तरफ जा रही है, ओ से ए की तरफ। एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ए से ओ की तरफ। लेकिन जब बॉडी ए से ओ की तरफ आ रही है तो अब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो अगर अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ए से ओ की तरफ जाते हुए, तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो इसका मतलब है अब भी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की क्या है, ए से ओ की तरफ। जब बॉडी ओ से ए प्राइम की तरफ मूव कर रही है तो अब उस जब आपके पास क्या है कि बॉडी किस ओ से ए प्राइम की तरफ मूव कर रही है तो आपके पास वेलोसिटी अब भी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो
अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? ऑपोजिट टू द मोशन। बॉडी ओ से ए की तरफ जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन किस तरफ है? ए प्राइम से ओ की तरफ। और जब बॉडी ए प्राइम से ओ की तरफ आएगी तो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन उस एक्सेलरेशन की क्या होगी? वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अब एक लास्ट ग्राफ आपको मैं बता देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये इस पूरी मोशन जो है वो किस तरह से है। तीन पोजीशन में यहां पर बना रहा हूं। एक को मैंने नाम दे दिया जी मीन पोजीशन का। मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ से। एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी ए से। और इस एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए प्राइम से। ओके, स्टार्ट करते हैं हम एक्स से। हमने क्या दिया कि मीन पोजीशन के ऊपर एक्स क्या होता है? जीरो। एक्स जीरो है तो ये भी क्या होगा? जीरो। और अगर एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। वी इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्स क्या होता है? मैक्सिमम। ए भी क्या होगा? मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन वी इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो। सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्स मैक्सिमम। एक्स मैक्सिमम तो ए भी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। लेकिन वी जो है आपके पास जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी। अच्छा, एक लास्ट चीज आपको जो मैंने बतानी है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है या एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होता है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस वो आपके पास क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। अब मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां एम्पलीट्यूड है एक्स। एम्पलीट्यूड क्या है? एक्स। तो एक ओसिलेशन में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है? एक कंप्लीट ओसिलेशन में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है? जरा बताएं, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक 2x, यहां से यहां तक 3x, तो यहां से यहां तक 4x। तो एक कंप्लीट ओसिलेशन में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है? 4x, यानी कि जो भी उसका एम्पलीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड हमारे पास है 2 मीटर। एम्पलीट्यूड हमारे पास है 2 मीटर। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी? 8 मीटर। ओके, दैट्स, थैंक यू सो मच।